भले है जो हम तो है तुम्हारे तुम्हारे होकर हो हम दुखारी तुम्हारे होकर हो हम दुखारी दया करोगे दयालु दयालु सुंदर भाव दिया आलबंदार में कुछ चरण गाते हैं कि प्रभु मैं धर्मात्मा नहीं हूं। जब अध्ययन किया जाता है महाराज पाठ किया जाता है भाव सुन करके हृदय द्रवित हो जाता है। क्या भाव थे आचार्यों के और उनके कथन को जीवन में उतार लिया जाए तो परमात्मा सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कितनी दैन्यता थी। आचार्य ने कहा कि न धर्म अनिष्ठो न च आत्मवेदी न मद्भक्ति त्वच्चरणारविन्द। हे नाथ त्वच्चरणारविन्द तुम्हारे चरण में मेरी भक्ति नहीं है, धर्म में मेरी निष्ठा नहीं है। मैं नहीं कहता मैं धर्मात्मा हूं, मुझे आत्म तत्व का बोध नहीं है, लेकिन मेरे में कितना भी अवगुण हो चाहे जितना अवगुण हो लेकिन मैं आपके शरण में आ गया, आपके शरण में आ गया, सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आ गया। और आपका कथन है, आपने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षं यामि महाराज। तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभय कर दूंगा। तो प्रभु मैं आपके शरण में आ गया, लेकिन मेरी धर्म में निष्ठा नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है और मैं अनेक जन्मों से पाप करते आ रहा हूं, अनेक जन्मों से मैं पाप कर रहा हूं और पाप करता हूं, दुख भोगता हूं। मेरा स्वभाव बन गया कि मैं पाप करता हूं दुख भोगता हूं, मेरा स्वभाव बन गया। सर्वम सहे सहजम ही दुखम, मैंने सहजता से सब दुख को सहा और मेरा स्वभाव बन गया। भगवान ने कहा जब तुम्हारा स्वभाव बन गया तो फिर क्या हुआ? आचार्य ने कहा प्रभु मेरा स्वभाव बन गया, मैं सह सकता हूं, लेकिन मैं आपके शरण में आ गया, आपका दासत्व ग्रहण कर लिया, आपका शरणागति, आपके चलाए हुए मार्ग पर मैं आ गया। यदि मुझे कष्ट होगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे, तो आपको कष्ट ना हो मैं ये चाहता हूं। भगवान ने कहा मुझे कष्ट ना हो, बोले हाँ, क्योंकि जब पुत्र दुखी होता है तो पिता भी दुखी हो जाता है और मैं कष्ट भोगूंगा आप देख नहीं पाओगे, आपको कष्ट होगा तो मुझसे आपका कष्ट नहीं देखा जाएगा। बोले फिर आप जानते हैं मुक्त कर दो, क्षमा षोडशी में शरणागति गद्यम में वैकुंठ गद्यम में आलबंदार मुकुंद माला ये सब जो परंपरा के ग्रंथ है इनका अध्ययन किया जाए महाराज, बड़ा सुंदर है। भगवती जानकी जो करुणा स्वरूपा है उन्होंने जयंत के सिर को उठा करके रघुनंदन के चरणों में कर दिया, भगवान से प्रार्थना की थी क्षमा कर दो। निज कृत कर्म जनित फल पायो अब प्रभु पाहि
शरण तक आयो अति कृपाल रघुनायक बानी एक नयन कर तजावानी। जानकी ने कहा इसने जो भी किया उसको वह जो कर्म था निंदनीय था लेकिन उस कर्म का फल इसे मिल गया है अब इसे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा देवी मेरा बाण जो है भोग है तो भगवान ने क्या किया बोले उज्जैन के एक आंख को फोड़ दिए। मानो भगवान ने संदेश दिया कि अब तक तुम जगत को विषम भाव में देख रहे हो सम भाव से देखो तो कहते दुख्या ही करते हो ना एक आंख से बराबर ताको। भगवान ने कहा समभाव में देखो संभाव में देखना अर्थात जगत को मुझ में देखना मेरे जैसा सीय राम में सब जग जानी। दूसरा भाव भगवान ने जानू छाप दे दिया आज से तुम मेरे हो गए। संतों ने बड़े भाव सुंदर सुंदर भाव दिए। भगवान शिव ने कहा हे पार्वती ये पापी था इसका वध करना ही उचित था लेकिन भगवान तो दीन बंधु है करुणा सिंधु है भगवान ने करुणा करके इसे एक नयन मुक्त कर दिया। भैया अब तुम संभाव में देखो एक नयन यह तो तज दिया छोड़ दिया इसका तो वध था भगवान ने इसका एक नेत्र ले लिया इसका वध उचित था भगवान दीन दयाल है। भगवान ने कहा अब यहाँ बहुत दिन हो गए रहते हुए कोई ना कोई चले आते हैं अयोध्या वाले भी जान गए हैं सब लोग सब मुनि महात्मा जान गए सब मिलने आते हैं अब यहाँ रहना उचित नहीं है यहाँ रहना उचित नहीं है अब यहाँ से चले। भगवान चित्रकूट से चलते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में गए अत्रि ने भगवान का स्वागत किया भगवान रघुनंदन की स्तुति करते हैं। सीता जी जाती है अनुसुईया के पास अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट किए और नारी धर्म का उपदेश किए। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरे सुशील बिनीता अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरे ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट इस पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे दिव्य बसन भूषण पहिराई नूतन अमल सुहाए दिव्य बसन भूषण पहिराई चेलिन नूतन अमल सुहाए दिव्य बसन और भूषण भेंट किए और पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। अनुसुईया जी ने कहा हे जानकी यद्यपि तुम्हें तो उपदेश करना कोई महत्व नहीं है लेकिन तुम्हारे माध्यम से जगत को शिक्षा मिलनी चाहिए। देखो पति का एक पत्नी का एक ही धर्म होता है क्या होता है बोले कर्म से वचन से मनसा वाचा कर्मणा कर्म से वचन से मन से पति के पद में प्रेम हो यही पत्नी का धर्म है। चार प्रकार की पतिव्रता जग में है देखो प्रथम जो होती है उत्तम उत्तम होती है उत्तम स्त्री के मन में कोई दूसरा पुरुष नहीं आता। अरे ये कई धर्म एक व्रत ने मा
जगपति व्रता चार वेद आई वेद पुराण संत सब कहानी वेद पुराण संत उत्तम के सर्वसमन जानकी प्रथम जो है उत्तम स्त्री, उत्तम स्त्री वही है, उत्तम पतिव्रता स्त्री वही है जो स्वप्न में भी पर पुरुष को ना देखे, जो स्वप्न में भी पर पुरुष को ना देखे वो उत्तम है। और मध्यम बोले वो देखे संसार में पराय पुरुष को देखे लेकिन पिता पुत्र भाई की दृष्टि से देखे, वह स्त्री निकृष्ट है। जो घर में तो है कुल धर्म की मर्यादा को ऊपर से पालन करती है लेकिन अंदर से कुलक्षणी है, वो निकृष्ट है ऐसा वेद पुराण संत और संत कहते हैं। धर्म का विचार करके घर में रहे तो, लेकिन जो अपने पति को धोखा दे देती है वो अधम है, अधम है। और ऐसे स्त्री महाराज इनका ये जन्म तो बेकार होता ही है लेकिन अगला जन्म भी बेकार हो जाता है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए विधवा होए पाए तरुणाए। हे जानकी अगले जन्म में ये युवती में युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है ऐसी स्त्री जो अपने पति को धोखा देती है पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है ऐसी स्त्री अगले जन्म में जाकर के युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। और जो स्त्री पति की सेवा करती है कैसा भी हो पति हो जो उसका सेवा करती है धर्म का पालन करती है वो पति धर्म से ही
पति की सेवा करते ही भगवान को प्राप्त हो जाती है। सहज पावन नारपति सेवत शुभ तिलहि जसु गावत श्रुति चारिअजहु अजहु तुलसी कहरि प्रिय। स्त्री जो है जन्म से अपवित्र है, जन्म से अपवित्र है, स्त्री पवित्र नहीं है। लेकिन पति की सेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो, भगवान को प्राप्त कर लेती है। और उदाहरण में दी, बोली तुलसी को देखो, वृंदा को देखो, जलंधर कैसा भी था, दुष्ट था, अत्याचारी था, वृंदा परम भक्ता थी, भगवान की सेवा करती थी, पूजा करती थी, जलंधर जलता था, लेकिन वृंदा पातिव्रत धर्म का पालन की तो जलंधर का महाराज ब्रह्मा विष्णु कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यहां तक शिव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, शिव का पाशुपत अर्थ जो अस्त्र जो था वो नहीं बिगाड़ पाया, कुछ इंद्र का वज्र कुछ नहीं कर पाया, विष्णु का सुदर्शन चक्र कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वृंदा जो थी वो पतिव्रता थी। स्त्री सदा अपवित्र होती है, इसीलिए स्त्रियों को वेद पाठ करना निषेध कर दिया गया। स्त्री को धर्मपीठ पर बैठना निषेध कर दिया गया। स्त्री धर्मपीठ पर बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके धर्म उपदेश नहीं कर सकती। और महाराज जो भी यहां स्त्री की निंदा नहीं, स्त्री की निंदा नहीं कर रहे हैं शास्त्रकार, मर्यादा बता रहे हैं। जो भी अपात्र से, शास्त्रों ने कहा कि अपात्र के पूजन से अपना ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी हानि होता है। शास्त्रकार ने कहा अपात्र का पूजन करने से, अपात्र के मुख से उपदेश सुनने से अपना ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी अहित होता है। जो अपात्र से धर्म उपदेश सुनते हैं उनका कल्याण नहीं होता, चाहे कितना परिश्रम कर लें। इसलिए कभी भी शास्त्र उपदेश, धर्म उपदेश पात्र से सुने, स्त्री के मुख से। अब ऐसा नहीं कि वो धर्म के विषय में कुछ ना बोले, व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो धर्म उपदेश कर सकती है। वेद पढ़ना स्त्री के लिए निषेध है, लेकिन ऐसा नहीं कि वेद का एक भी मंत्र नहीं बोलेगी। बोलेगी कौन स्त्री बोलेगी? स्त्री बोलती है। जो अग्निहोत्र होता है, अग्निहोत्री जो होते हैं, जो अग्नि लिए रहते हैं, उनकी पत्नियां, उनकी पत्नी को मंत्र पढ़ाए जाते हैं, ये मंत्र आपको बोलना है, और वो मंत्र बोलती है। वो हवन करती हैं, लेकिन सारी स्त्री हवन भी नहीं कर सकती। सभी स्त्रियों का हवन करना निषेध है, सारी स्त्री हवन नहीं कर सकती, लेकिन अग्निहोत्री जो है उसकी पत्नी हवन कर सकती है। सारी स्त्रियां पवित्री नहीं धारण कर सकती, छू भी नहीं सकती, कुछ को छूना भी निषेध है, लेकिन अग्निहोत्री जो है उसकी पत्नी बोले कुछ के स्पर्श करेगी, छुएगी। धर्म बड़ा ही सूक्ष्म है, लेकिन लोग अपने अनुसार से चलाने के लिए तोड़ मड़ोड़ देते हैं। बोले जो अग्निहोत्री है, स्त्री सूत्र द्विजबंधु नाम तेना श्रुति गोचर, जो द्विजबंधु है, जो अनुपवीत है, वो ब्राह्मण भी मंत्र बोलने का अधिकारी नहीं है, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है।
चातुर्थ वर्ण जिसका यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं होता वह वेद नहीं बोल सकता। लेकिन आज कहते हैं महाराज वर्ण व्यवस्था जो है धर्म जो है ये धर्म जो है ये लोगों को तोड़ रहा है। धर्म तोड़ नहीं रहा है, यदि धर्म के अनुसार चले तो हम कभी नहीं टूटेंगे। राम राज्य की जो कल्पना करते हैं हम राम राज्य लाएंगे, उस राम राज्य में क्या था? भगवान 11,000 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो करके वर्ण आश्रम धर्म का ही उपदेश किए, धर्म का उपदेश किए, वर्ण का उपदेश किए, आश्रमों का, चार आश्रमों का उपदेश किए, चार वर्णों का उपदेश किए। और राम राज्य में ऐसा था कि मांगे बाहरी देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान इतना उपदेश किए, उनकी प्रजा इतनी धर्मात्मा हो गई, वर्ण व्यवस्था में इतनी बध गई कि जब जिसको आवश्यकता पड़े वो कहता महाराज हमारे खेत में जल बरसा दो बारिश हो जाए, इतना जल बरसाओ बस रुक जाओ, ऐसा होता था। क्यों? बोले सब धर्मात्मा है, सब धर्मात्मा है, सब धर्म को समझने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं। लेकिन आज आज कुछ लोगों ने धर्म धर्म के नाम पर मतभेद पैदा कर दिए। यह शास्त्र हमारी निंदा कर रहा है, यह पुराण मेरी निंदा कर रहा है, यह वेद हमारा निंदक है। वेद पुराण शास्त्र किसी की निंदक नहीं है, वो सत्य बोलने वाले हैं। हमारे यहाँ विभाग बटा था कि ताकि किसी को किसी के धर्म में जाना ना पड़े, किसी को किसी के धर्म से आपत्ति ना हो, किसी को कष्ट ना हो, इसलिए विभाग बटे। और उसके वर्ण के अनुसार उसमें गुण भी रहते हैं, उसके वर्ण के अनुसार उसमें गुण भी रहते हैं। लेकिन आज हम जब वर्ण व्यवस्था को ठुकरा दिए तो बोले गुण भी हमें ठुकरा दिए, हम अपने धर्म को भूल गए, अपने कर्तव्य को भूल गए, इसलिए आज राष्ट्र में जहां देखो वहां हाहाकार मचा है। वेद पुराण ना तो स्त्री ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र किसी की निंदा नहीं करता, अभी सबको बाधता है कि तुम इसी में बधे रहो, तुम धर्म को धारण करो, धर्म तुम्हें धारण करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अनुसुईया जी ने कहा कि स्त्री सदा अपवित्र होती है लेकिन पति की सेवा करके वो उस स्थान को प्राप्त कर सकती है जिसके लिए बड़ी बड़ी अमलात्मा कुमलात्मा बड़ी बड़ी ऋषि मुनि की तरसते हैं। अनुसुईया जी ने कहा सुन सीता तव नाम सुमिरि नारी प्रतिवत्र करही तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। सुन सीता तव नाम सुमिरि नारी पतिव्रत करही, हे जानकी तेरा नाम सुन करके स्त्रियां पतिव्रत करेंगी। मैंने ये सब जगत के कल्याण के लिए कहा। भगवान रघुनंदन अत्रि से आदेश लेते हैं और जानकी अनसुईया से आदेश लेती हैं। भगवान फिर कहते हैं हम अब यहां से चलेंगे, अब हम यहां से चलेंगे। भगवान वहां से चलते हैं, अगस्त जी के आश्रम में आते हैं। अगस्त जी के आश्रम में आए, अगस्त के आश्रम में आने से पूर्व सुतीक्ष्ण जो हैं अगस्त के शिष्य हैं उनके पास गए। संत जन कहते हैं कि इनके पास क्यों गए, शिष्य के पास क्यों गए, पहले गुरु के पास जाना चाहिए। संत लोग कथा सुनाते हैं कि सुतीक्ष्ण जी बहुत छोटे थे तो
एक दिन अगस्त जी ने कहा कि भाई ठाकुर जी की सेवा करो। सालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे, काले काले सालिग्राम भगवान, गोल मटोल। अगस्त जी आश्रम से कहीं चले गए। जामुन का पेड़ बगल में था तो जामुन के पेड़ को देख करके, सुंदर सुंदर जामुन को देख करके सतीश पिता मन हुआ कि हम भी जामुन खाएं। तो डंडे फेंके, जामुन गिरा, डंडा चल गया पानी में। अब जामुन कहां से आ गए, कुछ दो चार पत्थर से फेंके चला गया पानी में। तो बाल बुद्धि थी तो सालिग्राम को उठा करके मारे, तो जामुन तो गिरा लेकिन सालिग्राम जल में ढूंढे नहीं पाए। तो सालिग्राम की जगह पर उसी जामुन को ला करके रख दिए, सालिग्राम भगवान को रख दिए। अगस्त जी आए, जब सालिग्राम भगवान को स्नान कराने चले अगस्त जी, तो जैसे हाथ में लिए तो पकड़ते ही वो तुरंत गल गया। महाराज गला था ही पका था। अगस्त जी ने कहा कि भाई सालिग्राम भगवान कहाँ गए? बोले हैं तो। बोले सालिग्राम भगवान गल गए हैं? बोले हाँ बिल्कुल। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, आप रोज जल में डुबोते हो, चंदन लगाते हो, रगड़ते हो। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, अगल गए ठाकुर हम काजल। अगस्त जी को क्रोध आया और अगस्त जी ने कहा कि तू चला जा आश्रम से, बिना भगवान को लाए आश्रम में मत आना। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान गए सुतीक्ष जी के पास, बड़े प्रेमी थे सुतीक्ष जी, उनके पास गए तो भगवान का दर्शन किए। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, लेकिन सबको वर्णन करें तो समय भी नहीं, आज भगवान का राजाभिषेक है। सुतीक्ष जी के साथ भगवान अगस्त जी के पास आए, अगस्त जी के पास आए, दंडकारण्य में आए। तो अगस्त जी ने वहां के रहन सहन को बताया, वहां के रहन सहन को बताया, सब कुछ बताया कि महाराज ये दंडकारण्य है, यहाँ बहुत संभाल कर रहना है। आश्रम पूछते हैं तो बताते हैं पंचवटी आश्रम बताते हैं। भगवान सबसे मिलते हुए सभी ऋषियों के आश्रम में गए, सब ऋषियों के आश्रम में गए, एक ऋषि के आश्रम में गए तो ऋषि रोने लगे। वहां उस आश्रम में जितने महात्मा थे सब रोने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा महाराज हम क्या कहें, बगल में देखे तो महाराज खूब ऊंचा हड्डियों का ढेर था। बोले ये क्या है? बोले ये सब ऋषियों मुनियों की अस्थियां हैं, जो राक्षस खा गए हैं ये वही है। भगवान ने कहा अच्छा, महात्माओं को ऋषि खा गए? भगवान ने कहा कि निस्तर ही करम नहीं, भुज उठाए पन की, सकल मुनि ने के आश्रम जाए जाए सुख दी। भगवान ने कहा कि मैं रघुवंशी सूर्यवंशी दशरथ का पुत्र राम प्रतिज्ञा करता हूं कि पृथ्वी को राक्षस रहित करूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, ऋषियों को सांत्वना दिया। जब भगवान एकांत में आए तो जानकी ने कहा पुरुष में एक बहुत बड़ी कमी होती है। क्या? बोले बार बार प्रतिज्ञा करते हैं, मानस में नहीं है। अन्य ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, अन्य अन्य जो रामायण है उनमें है वर्णन। जानकी जी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, बिना दोष के बिना अपराध के आप मारेंगे,
पुरुषों में बहुत बड़ा दोष होता है कि वो निरपराधी को भी दंड देना चाहते हैं। बड़ा सुंदर संवाद। तो जानकी जी ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये जो सीता हरण का लीला है सब जानकी जी के आदेश से है। भगवान आए, भगवान आए, गिद्धराज से मित्रता भेंट हुई। पूर्व जो दशरथ जी से मित्रता हुई थी गिद्धराज की, वो सब कथा गिद्धराज जी सुनाते हैं। भगवान पंचवटी में कुटी बना करके रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए माया क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वर और जीव क्या है। मानो अर्ध पंचक को पूछे। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझा। जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जा। हे प्रभु कहिए। तो राम जी ने कहा थोरे मोहु सब कहूं बुझाई। थोरे सब कहूं बुझाई। थोरे सब कहूं बुझाई। सुन होता लक्ष्मण। थोड़े में मैं कहता हूं मानो भगवान समझ गए कि अब ज्यादा अगर विस्तार करेंगे तो समय नहीं है, क्योंकि आगे राक्षस आने वाले हैं। उपाय सब हो रहा है, आगे अब श्री गणेश होने वाला है। तो थोड़े में सब कह दूं, तैयारी कर लूं, थोड़े में सब कह करके तनिक में समझा करके तैयारी कर लूं, आगे दूसरी लीला है। भगवान ने कहा देखो ये इंद्रियों का विष, इंद्री जहां तक जाती है, गो गोचर जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक हमारी बुद्धि जा रही है, ये सब माया है। इसी को अद्वैत ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इसी को अद्वैत वेदांत ने कहा। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, जहां तक मेरा मन जा रहा है, सब माया है, कोई सत्य नहीं है। और इसी बात को लक्ष्मण जी ने कहा ये जो संसार क्या है, बोले स्वप्न है, यहाँ सब सपने देख रहे हैं, यहाँ सब लोग सपना है। अब ये कहे महाराज कथा सुन रहे हैं ये, बोले यही लीला है, सब सपना है लेकिन कथा ही अपना है, ये हकीकत है कथा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मोह निशा सब सो निहारा, देखे सपने अनेक प्रकार, सब सपने देख रहे हैं। तहीं निसी जामिन जाग ही जोगी, योगी लोग जगते हैं। और इसी बात को गीता में भगवान ने कहा
या निशा सर्वभूता नाम। ये बात गोस्वामी जी ने गीता में भगवान ने कहा। लक्ष्मण जी ने कहा स्वप्न में क्या होता है, बोले सपने हो ही भिखारी नृप रंक नाक पति हो ही। सपने में कोई भिखारी इंद्र हो जाए, राजा हो जाए, बहुत धनवान हो जाए, करोड़पति हो जाए, और इंद्र बोले भिखारी हो जाए, कुबेर भिखारी हो जाए, रंक नागपति हुई और नागपति रंक हो जाए। जागने के बाद क्या इंद्र कटोरा लेकर के घूमेंगे? नहीं। या भिखारी कहेगा कि भैया हम राजा हो गए, हमारा तिलक करो, बाधाओ बजवाओ, चबर लाओ, छत्र लाओ, सेना बुलाओ। बोलने लगेगा तो लोग बहुत मारेंगे। क्या है? बोले सपना है। मोहनिसा सब सोम निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोहनिसा सब सोम निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। यही जग जामिन जागई जोगी, यही जग जामिन जागई जोगी। पर भारते यहाँ सब लोग सो रहे हैं, लेकिन योगी लोग जग रहे हैं। योगी लोग जग रहे हैं और सब लोग सो रहे हैं। इसी बात को बिंदु जी ने कहा। बिंदु जी ने कहा, अरे मूढ़, अरे जीव, तेरी इस दशा को देख करके हमें अफसोस हो रहा है। अफसोस मूढ़ मंतु मुद्दक से, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दक से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा ना यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। तूने सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। किस घर में? बोले हृदय के घर में। बिंदु जी ने कहा कि 84 लाख तूने घूमा, 84 लाख घूमा, बहुत कठिनाई से तय किया और तुझे एक घर मिला। एक घर मिला, बोले क्या? बोले मनुष्य शरीर। और जिसको पा लिया उसको खो रहा। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। Oh।
घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। तो चाना यह कि घर में, तो चाना कहना घर में अंधेर हो रहा है, अब सो सब माया है। लोग जगते हैं, भगवान ने कहा लक्ष्मण ये सब माया है, जो दिख रहा है वो है नहीं। जैसे बोले पिता दिख तो है, पिता दिख रहे हैं लेकिन कब तक दिखे, बोले 50 वर्ष 60 वर्ष तक, बाद में सीताराम पिताजी गए, पुत्र आए, पुत्र दिख रहे हैं लेकिन वो भी कुछ ही दिन तक, सब माया है। देखो हे लक्ष्मण, और जो तुम कह रहे हो माया दो है, एक विद्या है दूसरी अविद्या है, दोनों मोहने का काम करती हैं। विद्या माया बोले बड़े बड़े ज्ञानियों को, अविद्या माया बोले जो मूर्ख है, जो मूर्ख है उनके लिए अविद्या। नारद जैसे, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, जब इनको मोहित करना होता है तो भगवान विद्या माया का प्रयोग करते हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश किया, और एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, भगवान पंचवटी में बैठे थे, पंचवटी में बैठे थे, जानकी थी बगल में और लक्ष्मण जी कुछ ही दूर पर बैठे थे। तब तक एक देवी जी आई, एक देवी जी आई, कैसी थी, कौन है, रूप क्या है, बनी कैसी है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया।